हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग इंस्ट्रक्शन। फ्रेंड्स, ये जो महीना है पूरा फेस्टिव सीजन है, अक्टूबर नवंबर का महीना पूरा त्योहारों से भरा होता है और कुछ त्यौहार बीत चुके हैं, कुछ आने वाला है। जैसे कि जस्ट 3 दिन बाद करवा चौथ आने वाला है, उसके बाद दिवाली आएगी, छठ पूजा आएगी और उसके अलावा हमारे घर में बहुत सारे फंक्शन होने वाले हैं, बर्थडे फंक्शन। जैसे कि लव कुश का बर्थडे है, उसके बाद यश का बर्थडे है नवंबर में, उसके बाद दिसंबर में मेरा बर्थडे है। तो इन सब के लिए हम लोगों ने बहुत सारी खरीदारी की है और जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बच्चों के कपड़े से। तो ये रही सबसे पहली ड्रेस जो कि है श्रेया का। ये एक टॉप है और काफ़ी प्यारा लग रहा है और ये ऊपर स्ट्रिप है। इस तरह की ड्रेस मुझे अच्छी लगती है, बट उसके में थोड़ा सा लूज़ होता है क्योंकि ये दुबली पतली है, बट ये अच्छा हो रहा क्योंकि स्ट्रिप इसकी छोटी है। और उसके साथ दिया हुआ है एक ये पैंट, रेड कलर का इसका मैचिंग है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। स्ट्रेट पैंट है और इसका कपड़ा जो है काफ़ी कंफर्टेबल है। और इस पैंट के साथ दी हुई है ये एक बेल्ट। और ये रही सेकेंड ड्रेस, ये भी श्रेया की है और ये एक गाउन है। इसका कलर देखिए पीच कलर में है और इसका जो नेक एरिया है ना, नेक का डिज़ाइन वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे और उसके में ये काफ़ी अच्छे से फिट होके आ रहा है। अक्सर उसके कपड़े जो है अच्छे से फिट नहीं होते हैं दुबली पतली होने की वजह से। और एकदम लॉन्ग गाउन है और फ्लेयर वाली जो मुझे काफ़ी पसंद आई। उसके बाद अगली जो ड्रेस है ये एक पैंट एंड शर्ट का सेट है बच्चों का और ये रेड कलर की शर्ट है, उसके साथ में भी ब्लू कलर का जैकेट एंड पैंट है और उसके साथ ये ब्लू कलर की छोटी सी बो दी हुई है जो बच्चों को काफ़ी पसंद आती है और बच्चों को ये ड्रेस पसंद भी आई। और उसके साथ दिया हुआ है एक कम्फर्टेबल सा ये पैंट, इसका कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है। एंड नेक्स्ट जो ड्रेस है ये भी बॉयज़ के लिए है और ये काफ़ी खूबसूरत है। और ये ड्रेस कब बच्चे किस ओकेज़न पर पहनेंगे आपको वीडियो से पता चलेगा। और कुछ तो इन्होंने पहन भी लिया है, वीडियो पहले आ चुकी है। और ये है ऊपर का सेट, वाइट कलर की शर्ट और 3 पीस है ब्लैक, उसके साथ एक अंदर वाली जैकेट है, ऊपर वाली ग्रे कलर की है, उसके साथ ये चेक वाला एक कैप है और वैसे ही चेक में ये पैंट है, काफ़ी कंफर्टेबल है। और इस ड्रेस को कई तरीके से हम स्टाइल कर सकते हैं और इसके साथ भी चेक में ही बो दिया हुआ है जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद आया। ये रहा इसका बो। एंड फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने बहुत पहले शूट कर लिया था, लगभग करवा चौथ से 3 दिन पहले वो मैंने बताया है, बट इसको मैं अभी डाल रही हूँ तो कुछ कपड़े बच्चों ने पहन लिए, कुछ आगे पहनेंगे। और सेम वैसा ही ड्रेस एक और, ये छोटा पीस है और उसके साथ सेम कैप, बस एक ही कपड़ा है, साइज़ छोटा बड़ा है और कौन किसका है ये आपको आगे वीडियो में देख के पता चलेगा जब बच्चे इसको वियर करेंगे। अभी बता दूँगी तो सारा सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। बस इस कपड़े को आप लोग देख लीजिए, ये देखिए सेम टू सेम पहले वाले कपड़े की तरह। उसके बाद एक और ये जीन्स एंड टी शर्ट, ये कपड़ा मुझे सबसे अच्छा कंफर्टेबल एंड पहनने के बाद इतना खूबसूरत लग रहा है। ये वाइट कलर की टी शर्ट एंड ब्लू कलर की जीन्स, इसको कभी भी बच्चे रेगुलर पहन सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अभी बारी आती है साड़ियों की, तो चलिए मैं आप लोगों को साड़ियाँ दिखाती हूँ। तो ये है फर्स्ट साड़ी जो कि है पर्पल कलर के और इस तरह से इस पर जो लाइनिंग धागे दिख रहे हैं ना, चमक रहे हैं, वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और बॉर्डर है, साड़ी प्लेन है और ये साड़ी मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने उसमें का एक और लिया है। ये है मस्टर्ड येलो या गोल्डन कह लीजिए, काफ़ी खूबसूरत कलर है दोनों का। नेक्स्ट साड़ी ये है जो कि रेड एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में है, काफ़ी खूबसूरत है। इसको आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने छठ पूजा में पहना है और ये सिल्क की साड़ी है, काफ़ी खूबसूरत है, पहनने में भी काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड अगली साड़ी ये है जो कि काफ़ी खूबसूरत है, ये आसमानी ग्रीन में इसका कलर है और ये भी सिल्क की साड़ी है और इस पर साइड में से टैसल लगे हुए हैं और काफ़ी हल्की साड़ी है, इसको रेगुलर यूज में भी पहन सकते हैं, कंफर्टेबल रहेगी। और इस पर देखिए छोटे छोटे स्टोन कैसे वर्क किया हुआ है जो कि हम किसी भी पर्पज़ पे पार्टी वेयरिंग भी इसको कर सकते हैं, रेगुलर वेयरिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद एक और ये साड़ी है जो कि स्काई ब्लू कलर की है और ये काफ़ी हल्की साड़ी है, रेगुलर यूज के लिए है और काफ़ी हल्का कपड़ा है। और ये देखिए इसका कैटलॉग,
अगेन एक ब्यूटीफुल सी साड़ी जो कि बिल्कुल मेरी ही साड़ी जैसी है जो मैंने पहले बनारसी सिल्क दिखाई थी, सेम वही कलर कॉम्बिनेशन है, बट इसमें थोड़ी सी डिजाइन अलग है और ये मीशो से आई है। फ्रेंड्स, ये एक और ब्यूटीफुल सी साड़ी है और ये बंधेज में है। इस पर काफ़ी अच्छी प्रिंट है, ये हाथी और मटके की, और इसके ऊपर ये छोटे छोटे स्टोन लगे हुए हैं। और ये साड़ी मैंने मीशो से मंगाई है और मुझे काफ़ी अच्छी रिसीव हुई। इसमें थोड़ा सा मैंने पॉलिश वगैरह करा दिया है तो और चमक आ गई है। देखिए ये रेड एंड येलो के कॉम्बिनेशन में है। ये साड़ी मुझे काफ़ी पसंद आई। फ्रेंड्स, एक और ये ब्यूटीफुल सी साड़ी है, इसका कलर बहुत प्यारा है, डार्क ब्लू कलर है और इस पर वर्क देख सकते हैं नीचे बॉर्डर पे एकदम छोटे छोटे ये स्टोन हैं और इसके साथ मिरर वर्क भी है। ये मिरर जो है ओरिजिनल है, प्लास्टिक नहीं है। और ये पार्टी वेयरिंग साड़ी है और पूरी साड़ी में इस तरह से रेशम वर्क हुआ है, पूरी जाल वर्क है इस पर। और ये साड़ी जो है मार्केट से ख़रीदी गई है शॉप से। फ्रेंड्स, एक साड़ी ये है मेरे पास और ये काफ़ी खूबसूरत है। इसका कलर कैमरे में ओरिजिनल नहीं आ रहा है, मैरून आ रहा है, बट ये कॉफ़ी कलर की है और जिसके ऊपर ये इस कलर के धागे से वर्क हो रखा है। ये पत्ती बनी हुई है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये साड़ी मुझे मायके से मिली है। मेरा भाई बोल रहा था कि ये मोहब्बतें की में जो पत्तियाँ उड़ती हैं गाने में, ये वही है, वो वाली साड़ी है। और पूरी साड़ी ओवरऑल ऐसी ही है, आंचल में कुछ ऐसा अलग नहीं है। उसके बाद एक साड़ी ये है, ये भी काफ़ी खूबसूरत रेड कलर में है जिसका बॉर्डर इस तरीके से है। और ये साड़ी भी मुझे मायके से मिली है। इस बार मुझे दो दो साड़ियाँ मिली हैं। बच्चों के कपड़े हो गए, हम लोग की साड़ियाँ हो गई, फिर घर के जेंट्स पीछे क्यों रहे, तो चलिए देखते हैं घर के जेंट्स के लिए कपड़े। तो ये रहे मेरे हस्बैंड का, ये शर्ट है और काफ़ी खूबसूरत कलर है, बट बाद में उन्होंने ये चेंज कर दिया था, उनके में ये बड़ा साइज आ गया था जो करवा चौथ में उन्होंने पहना है, इसी को रिप्लेस करके उन्होंने लिया था। और ये जो कलर है हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा, करवा चौथ के अकॉर्डिंग लिया गया। उसके साथ ये जीन्स है स्काई ब्लू कलर की, तीन दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, बट बाद में ये चेंज हो गया और उनको वो शर्ट अपनी पसंद से फिर उन्होंने लिया था। और ये आगे से इसमें बेल्ट भी दिया हुआ है पैंट में। ये रही सेकेंड ड्रेस जो कि है मेरे देवर की, करवा चौथ पे सब लोग यहीं पे थे तो सबकी ड्रेस यहीं से ली गई है। और ये वाइट कलर की शर्ट जो कि काफ़ी खूबसूरत है और उनको वाइट ड्रेस काफ़ी पसंद है, नेता आदमी है, नेता लोग वैसे भी वाइट पहनते हैं। उसके साथ है ये ब्लैक जीन्स, वाइट एंड ब्लैक का कम्बिनेशन अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।